आईसीसी विश्व कप 2015 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 329 रन का लक्ष्य दिया है। तो हम आपको बता दें, वनडे क्रिकेट मैच में पिछले कुछ सालों में बल्लेबाजों का रोल बेहद अहम हो गया है। टीम इंडिया ने कई मौकों पर 300 रनों का सफल पीछा कर जीत हासिल की है। आइए जानते हैं टीम इंडिया ने कब कब 300 पार के लक्ष्य को हासिल कर जीत हासिल की। 16 अक्टूबर 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 360 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की। 30 अक्टूबर को ही नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 351 रन बनाए और जीत हासिल की। 18 मार्च 2012 में ढाका में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 13 गेंद रहते हुए ही 329 रन के लक्ष्य को हासिल किया था। 13 जुलाई 2002 को सौरव गांगुली की कप्तानी में लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड की ओर से दिए गए 325 रनों के लक्ष्य को 3 गेंद रहते हुए ही जीत हासिल की। इंडिया का स्कोर 326 पे 8 था। ये एक अहम जीत साबित हुई थी। 15 नवंबर 2002 को अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 325 रन बनाए और जीत हासिल की। 28 फरवरी 2012 को श्रीलंका के खिलाफ भारत ने 320 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 36 ओवर में ही 7 विकेट से जीत हासिल की। 7 दिसंबर 2010 को बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 315 रन के लक्ष्य को हासिल किया। इंडिया ने यह लक्ष्य 2 ओवर रहते ही हासिल कर लिया। 24 दिसंबर 2009 में कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में टीम इंडिया ने 315 रन के लक्ष्य को 2 ओवर रहते ही हासिल कर लिया। 5 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 316 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 317 रन बनाए। 3 जुलाई 2008 को कराची में श्रीलंकाई टीम के 308 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 310 रन बनाए। 20 अक्टूबर 2011 को मोहाली में इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम इंडिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 300 रन बनाए और जीत हासिल की। तो ये 329 का टारगेट भी भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं होगी। News Point Bureau.